दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुजराती चेस चैनल में। सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको ओपनिंग, मिडल गेम और एंड गेम सभी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्कैंडिनेवियन डिफेंस पे मैं स्पेशली सीरीज बना रहा हूँ ओपनिंग की, तो हर एक वीडियो मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्कैंडिनेवियन डिफेंस द पोर्टुगीज गैम्बिट। पोर्टुगीज गैम्बिट में मैंने आपको दिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में कि व्हाइट e4 करता है। हमने देखा था दोस्तों e4, d5, e takes d5, knight f6, d4, bishop g4, f3, bishop f5 और उसके बाद c4। आज मैं आपको थोड़ा चेंज करके बताने वाला हूं। यहां पे कई सारे प्लेयर मेरे सामने खेल चुके हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे जो बेस्ट मूव लगी, कंप्यूटर और बुक्स वगैरह सब मिला के मैंने अच्छे अच्छे मूव्स यहां पे कलेक्ट किए हैं, तो वही आपको दिखाऊंगा। bb5 चेक के सामने सबसे बढ़िया मूव knight bd7। उसके बाद व्हाइट अपने इस पॉन को सपोर्ट करेगा c4 से। नाउ ब्लैक हैज टू चॉइस, या तो a6 और दूसरी चॉइस है e6। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चॉइस है e6। e6 के बाद दो साइड लाइन है। ये सेवंथ मूव में व्हाइट पॉन मारता है, पॉन अगर मारता है तो हम मेन लाइन में जाएंगे, लेकिन व्हाइट knight c3 करता है तो ये साइड लाइन हो जाएगी, क्योंकि knight c3 बहुत कम प्लेयर्स खेलते हैं यहाँ पे। तो knight c3 में आपको करना है पॉन टेक्स पॉन। उसके बाद व्हाइट c5 करता है, आपके डार्क बिशप को इनएक्टिव करने का प्लानिंग है, लेकिन यहां बेस्ट रिप्लाई होगा c6, bishop d3, bishop takes d3, queen takes d3, then b6। तो ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्लैक के लिए। अच्छा, knight c3 के अलावा एक और साइड लाइन है यहां पे, सेवंथ मूव में g4, bishop g6, d into e6, f takes e6, knight e2, c6, bishop a4, knight sacrifice अब आएगा, knight takes g4, f takes g4, queen h4 check, knight g3, bishop d6, एक और अटैक यहां आएगा। अब दोस्तों अच्छी मूव व्हाइट के लिए यही है queen f3, rook f8 के बाद में queen e3 और फिर लॉन्ग कैसल। अब देखिए ये सिचुएशन काफी 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 ब्लैक के फेवर में है। पीस सेक्रीफाइस के सामने कितना ज्यादा हमें एक्सपोजर मिल रहा है, यहां पे बहुत सारे मूव्स है हमारे पास जीतने के लिए। कैसलिंग के बाद व्हाइट आपका ये पॉन मारेगा तो बहुत बड़ी ब्लंडर है, आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप लोग ओपनिंग सीख रहे हो। चलिए देखते हैं मेन लाइन में क्या होता है। g4 नहीं करते यहां पे, व्हाइट अगर पॉन टेक्स पॉन करता है d into e6, सिंपल bishop takes e6 रिप्लाई होगा हमारा। बिशप से पॉन मारने के बाद यहां पे आठवीं मूव में व्हाइट के पास तीन चॉइस है अलग अलग, एक तो है c5, दूसरा है knight c3 और थर्ड चॉइस d5। पहले हम देखेंगे c5, अगर c5 करता है तो आपको यहां पे c6 करना है। c5 के सामने c6, bishop a4, फिर knight d5, सेंट्रलाइज्ड नाइट,
नाइट सी थ्री, अगर नाइट सी थ्री खेलता है तो नाइट टेक्स नाइट, बी टेक्स नाइट, क्वीन एच फोर चेक, जी सिक्स और क्वीन एफ सिक्स, काफी बढ़िया स्ट्रक्चर ब्लैक के लिए। ओके देखते हैं नाइट सी थ्री इंस्टेड ऑफ सी फाइव, सी फाइव के बजाय नाइट सी थ्री करता है, यहां पे व्हाइट नाइट सी थ्री खेल सकते हैं। नाइट सी थ्री में भी हमारा सेम रिप्लाई होगा सी सिक्स, यहां पे डी फाइव काउंटर अटैक, यही बेस्ट ऑप्शन है व्हाइट के लिए, लेकिन हम इसका रिप्लाई देंगे बिशप टेक्स डी फाइव, सी टू डी फाइव, सी टेक्स बी फाइव, डी सिक्स और नाइट सी फाइव, यह भी बेस्ट चॉइस है ब्लैक के लिए। हाँ यहां पे एक और मूव है और डी सिक्स के बजाय नाइट टेक्स पॉन, ये काफी अच्छी नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि नाइट सी फाइव नाइट टेक्स बी फाइव में आप रिप्लाई दे सकते हो बिशप सी फाइव, क्वीनी टू चेक, किंग एफ एट, बिशप ई थ्री, बिशप टेक्स ई थ्री, क्वीन टेक्स ई थ्री और क्वीन ए फाइव चेक और ब्लैक विंस। इसमें ब्लैक जीत सकता है क्योंकि नाइट पे भी अटैक है, किंग पे भी अटैक है, अगर क्वीन इंटरपोज किया तो नाइट मरेगा, नाइट इंटरपोज किया तो रूक ई एट डेंजर थ्रेट है। चलिए देखते हैं डी फाइव, एक मूव में अगर व्हाइट डी फाइव खेलता है तो क्या होगा, यहीं पे अगर व्हाइट ने डी फाइव कर दिया तो बिशप एफ फाइव। अब यहां पे तीन चॉइस है, पहली चॉइस है आपके बिशप को सी फाइव पे लाने से स्टॉप करने के लिए बिशप ई थ्री खेल सकते हैं, दूसरी चॉइस है नाइट ई टू सिंपल डेवलपमेंट किंग साइड, थर्ड चॉइस है नाइट सी थ्री। तो पहले हम देखेंगे बिशप सी थ्री, अगर व्हाइट बिशप ई थ्री करता है तो आपको बिशप बी फोर चेक देना है, बी डी टू यहां पे आपको बिशप वापस ले लेना है ई सेवन पे, आफ्टर नाइट ई टू आपको करना है शॉर्ट कैसल, बिशप टेक्स डी सेवन, क्वीन टेक्स डी सेवन, व्हाइट करेगा कैसल, बिशप डी थ्री, बी थ्री और बी फाइव। दोस्तों ये स्ट्रक्चर काफी अच्छा है ब्लैक के लिए। चलिए यहां पे बिशप ई थ्री के बजाय अगर नाइट ई टू कर दिया तो भी आपको बिशप सी फाइव करना है, क्योंकि बी सी फाइव करने मिलता है तो आपको तुरंत कर देना है, ये लॉन्ग रेंज डायगोनल में ये बिशप काफी पावरफुल रहेगा। बिशप सी फाइव में व्हाइट नाइट जी थ्री करेगा काउंटर अटैक, क्वीन ई सेवन चेक, क्वीन ई टू और बिशप डी थ्री, सरप्राइजिंग मूव है बी डी थ्री, आफ्टर क्वीन टेक्स ई सेवन, बिशप टेक्स ई सेवन और हमारा नेक्स्ट प्लानिंग है लॉन्ग कैसल। चलिए मेन मूव पे आते हैं, नाइन्थ मूव में नाइट सी थ्री, नाइट सी थ्री इंस्टेड ऑफ डी फाइव, सॉरी बिशप, हाँ यहां पे व्हाइट डी फाइव करता है, उसके बाद बिशप एफ फाइव और बाद में नाइट सी थ्री, हम ये देख रहे थे सॉरी। तो नाइट सी थ्री में आपको बिशप सी फाइव के लिए जगह मिल गई, तुरंत खेल लो क्वीन ई टू। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव बताऊंगा, किंग एफ एट, ये सरप्राइज है, हमें चेक इंटरपोज करके नहीं सेव करना है, भले ही हमारा कैसल ब्रेक हो जाता है लेकिन हमारे बहुत सारे पीसेस एक्टिव है। किंग एफ एट के बाद व्हाइट सोचेगा कि मैं क्यों ना अपने पीसेस एक्सचेंज कराऊं, तो बिशप ई थ्री आ सकता है, इसमें हमें क्वीन ई सेवन करना है, बिशप टेक्स डी सेवन में आपको ये नाइट से मारना है, ये ध्यान रखना है। दोस्तों ये पोजीशन में मैं गेम खेल चुका हूं टूर्नामेंट में और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने गेम जीती थी, तो यहां से आगे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ स्टेप्स, बहुत ही जल्दी गेम ओवर हो गई थी,
यहाँ पे व्हाइट ने बिशप टेक्स बिशप मारा था, यहाँ पे क्वीन टेक्स बिशप, फिर मेरी नेक्स्ट है जो रुक e8 की है, तो व्हाइट ने ये सोच के लॉन्ग कैंसिल कर दिया, फिर भी रुक e8। अब आप देख सकते हो कि ब्लैक व्हाइट क्वीन के पास सिर्फ एक ही बेस्ट मूव है, क्वीन d2। क्वीन d2 के बाद यहां पे a6। अब बिशप अगर a4 जाता है तो सिंपल क्वीन टेक्स c4 मर रहा है, तो व्हाइट ने क्या किया, बिशप टेक्स नाइट मार दिया और मैंने नाइट से बिशप मार दिया। व्हाइट ने g4 किया, बिशप g6, फिर क्वीन d4। व्हाइट चाहता है पीसेस एक्सचेंज हो जाए जल्दी, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, तो जल्दी जल्दी अगर एंड गेम आ जाएगी तो व्हाइट की फेवर में गेम आई। लेकिन मैं एक्सचेंज करना नहीं चाहता था, मैंने क्वीन f5 किया। यहां पे व्हाइट ने a4 किया, तो आपके हिसाब से ब्लैक को क्या खेलना चाहिए? आप 2 मिनट वीडियो पोस्ट करके सोच के बताइए, और मैं अभी आपको बता रहा हूं, मैंने इस जगह पे नाइट c5 खेला था और व्हाइट ने सोचा कि ये बिशप ट्रैप हो रहा है और उसने h5 जल्दी से कर दिया, तो बिशप आप देख सकते हो कहीं भी जा नहीं सकता, सभी जगह पे बिशप ट्रैप, जानबूझ के ट्रैप करवाया। और मेरी अगली जो मूव है बहुत ही शॉकिंग मूव थी, नाइट b3 सैक्रिफाइस। अब देखो नाइट से क्वीन मार रही है, किंग पे अटैक है और किंग के पास कोई जगह भी नहीं है, तो फोर्स कैप्चर करना पड़ा और फाइनली मैं 2 मूव में गेम जीत गया। क्वीन a1 चेक, किंग d2, क्वीन b2 चेकमेट। अभी आप ये भी सोचोगे कि अगर नाइट इंटरपोज करता है तो क्या हो रहा है, क्वीन a1 चेक में अगर नाइट इंटरपोज किया तो क्वीन टेक्स नाइट चेक, किंग d2 और क्वीन c2 से चेकमेट होगी। तो आशा रखता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरे सारे वेरिएशन स्कैंडिनेवियन के मेरे पास 60 जितने वेरिएशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहने की जरूरत है, तो सारे वीडियोस 1 बाय 1 आप देखते रहिए और चैनल को वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे मेरे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।